हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मौर्य काल से हमारा लास्ट पार्ट है, आठवां पार्ट है। यहाँ पे मौर्य काल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, इसमें मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर किया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम दिला रहे हैं, SSC, रेलवे, UPSC, PSC, पुलिस कॉन्स्टेबल्स, कोई भी एग्जाम दिला रहे हो, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 150 तक क्वेश्चन हम सातवें पार्ट में कवर किए थे, हमारा आठवां पार्ट है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान जो बौद्ध परिषद या बौद्धिस्ट जो काउंसिल हुआ था, कहाँ पे किया गया था? तो पाटलिपुत्र, वाराणसी, कश्मीर या राजगिरी में। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए, कश्मीर में जो कनिष्क शासनकाल में जो बौद्ध परिषद या बौद्धिस्ट जो काउंसिल हुआ था, आपके कश्मीर में हुआ था, आपके बौद्धिस्ट काउंसिल। तो याद रखिए, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जाम SSC में कई बार इसको क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप पे SSC, RRB, रेलवे वगैरह पूछा गया है, बिहार PSC में भी क्वेश्चन आया है। कनिष्क के जो महान जो राजवंश के, आपके तुरुष के जो सम्राट थे, उन्होंने गांधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया था, कौशल, कुषाण या मौर्य या डी है इनमें से। तो कनिष्क जो महान जो राजवंश थे, इन्होंने तुरुष के सम्राट थे और उन्होंने गांधार स्कूल यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन आपके कुषाण में दिया था। तो इसी तरह इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी? तो आपके कुषाण, गुप्त, मौर्य वंश या चोल वंश। तो कुषाण वंश में आपके सही आंसर हो जाएगा। तो प्राचीन भारत में गांधार कला आपके कुषाण वंश इस समय यहाँ पे विकसित हुआ था, गांधार कला। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन याद रखिए। तो प्राचीन भारत में जो गांधार कला आपके कुषाण वंश के साम्राज्य में बहुत ही विकसित हुआ था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो गुप्त काल के वंश में, कुषाण काल में या मौर्य काल में या आपके गुप्त काल या गुप्त उत्तर काल में। तो आपके उत्तर प्रदेश PSC में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कुषाण काल में बुद्ध की जो कि खड़ी प्रतिमा आपके कुषाण काल के वंश में, इनका इस काल में बनाई गई थी, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, याद रखिएगा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन कुषाण काल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करो जो निम्नलिखित उत्तर कोट के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो कनिष्क के समकालीन यहाँ पे नामों का अध्ययन करना है, तो अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास या कम्बन कोड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अश्वघोष। और जो आपका वसुमित्र है, कनिष्क के शासनकाल में ये समकालीन थे, तो इसका अश्वघोष और वसुमित्र याद रखिए। इन दोनों आपके कनिष्क के शासनकाल में जो कि कार्यरत थे, तो इसका आपका फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था, इंडो ग्रीकों ने या कुषाणों ने या शकों ने या प्रतिहारो वंश ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुषाण वंश ने। तो उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक जो संख्या आपके तांबे के सिक्के जो जारी किए गए थे, तांबे के सिक्के आपके कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछ जाए, तांबे के जो सिक्के हैं किसके द्वारा चलवाया गया था? तो आपके कुषाण वंश के द्वारा चलवाया गया था, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको रिपीट किया गया एग्जाम। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश PSC में आया हुआ क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, निशाका उस प्राचीन भारत में किस नाम से जाना जाता? तो एक स्वर्ण आभूषण था आपका निशाका, या तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के या गाय थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए फर्स्ट ऑप्शन, याद रखिए। प्राचीन जो भारत में यहाँ पर निशाका आपको स्वर्ण आभूषण के नाम से इनको जाना जाता है प्राचीन भारत में, इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? तो आपके विम कटफिशस या कनिष्क या नहपाड़ या बुद्धगुप्त में। इसका सही ऑप्शन हो जाए कनिष्क। तो याद रखिए, बुद्ध का जो सिक्कों पर अंकन हुआ था कनिष्क के शासनकाल का, तो इसका सेकेंड ऑप्शन याद रखिएगा। तो बुद्ध का जो यहाँ पे जो बुद्ध के जो सिक्कों पर अंकन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, तो इसका सेकेंड ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख किस तिथि को किया था? 78 ईस्वी में, 98 ईस्वी में, 121 ईस्वी में, 81 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 81 ईस्वी में। तो कनिष्क के सारनाथ जो बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख आपके कौन से तिथि में किया गया था? तो आपके 81 ईस्वी में जो कि इस डेट अभिलेख को इस तिथि को जारी किया गया था। तो बौद्ध प्रतिमा अभिलेख आपके 81 ईस्वी सन में जो कि इस तिथि को जारी किया गया है, याद रखिएगा।
इसका फोर्थ ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला जो शैली का नाम है, शिखर, वर्ण, नगन या गंधार कला। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, गंधार कला। तो भारतीय और यूनानी जो कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कौन सी कला शैली का नाम है, ये आपके गंधार कला का शैली का गंधार कला शैली का नाम है, याद रखिए, जिसमें भारतीय यूनानी कला के अभिलक्षणों को यहाँ पे समन्वित करने वाली कला शैली है गंधार कला शैली, याद रखिए इसको नाम है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे यूनानी जो रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था, तो एलोरा में, गंधार में, कलिंग में या बौद्ध कला में। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, गंधार कला। तो यूनानी जो रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था, तो गंधार में उनको स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था, अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्क या कौटिल्य। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कनिष्क। तो बौद्ध धर्म का संरक्षक जो कुषाण शासक कौन था, तो कनिष्क था, याद रखिए, जो कुषाण शासन का शासक था कनिष्क। तो बौद्ध धर्म का जो संरक्षक जो कनिष्क था, याद रखिए, बौद्ध धर्म इनके द्वारा इनको संरक्षक किया गया था, आपके कुषाण शासन काल के जो शासक कनिष्क के द्वारा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने, मेनांडर ने या विमा कफिसेस ने, या चौथा है गौतमी, जो गौतमीपुत्र सत्कर्णी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके सम्राट विम जो कटफिशेस थे, इन्होंने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया था। तो सम्राट जो विम कटफिशेस थे, उन्होंने कुषाण साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा जो पश्चिमोत्तर जो भारत थे, यहाँ पे इन्होंने पश्चिमोत्तर भारत में किया था, वह स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो कि करवाने वाला प्रथम कुषाण शासक इनको कहा जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन, याद रखिए, स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन इनके द्वारा सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया था आपके सम्राट विम कटफिशस को। तो याद रखिए इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समय में थे या कनिष्क के शासनकाल में जो कि संबंधित थे, तो बुद्ध घोष, वसुमित्र, नागार्जुन, अश्वघोष। तो इसका दो, तीन और चार जो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो वसुमित्र, नागार्जुन, जो अश्वघोष थे, ये कनिष्क के शासनकाल में संबंधित थे। तो इसका दो, तीन, चार सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पीएससी में क्वेश्चन आया है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या रुद्रदामन प्रथम ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम ने। तो इन्होंने बिना बेगार के, बिना मजदूरी के इसने सुदर्शन झील का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने। तो इसका फोर्थ ऑप्शन याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है, तो रुद्रदमन, बिंबिसार, चंद्रगुप्त द्वितीय या चौथा है गौतमीपुर सत्कर्णी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रुद्रदमन। तो जूनागढ़ जो शिलालेख का संबंध किससे संबंधित है, तो जूनागढ़ अभिलेख आपका रुद्रदमन से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ, याद रखिए, जूनागढ़ शिलालेख आपके किससे संबंधित है, तो रुद्रदमन से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रंगमंच में यौवनिका जिसे पर्दा का शुभारंभ किसने किया था, तो शकों के द्वारा, पार्थियनों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा या चौथा है कुषाणों के द्वारा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनानियों के द्वारा इसको शुभारंभ किया गया था। तो भारतीय रंगमंच या यवनिका जिसे पर्दा के नाम से हम जानते हैं, तो भारतीय रंगमंच यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था, तो इनका यूनानियों द्वारा इसको, इस भारतीय रंगमंच को इन्होंने शुभारंभ करवाया था यूनानियों के द्वारा। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी, तो आपके कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके जॉर्जेक्स के द्वारा, अलेक्जेंडर डेरियस प्रथम के द्वारा या सेल्यूकस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा, इसका जो ऑप्शन है, जो भारत पर सबसे पहले चढ़ाई किसने किया था, तो इसका डेरियस प्रथम थे, इन्होंने भारत पर सबसे पहले इन्होंने चढ़ाई की थी डेरियस प्रथम ने। एग्जाम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एसएससी, अगर हम कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे, तो मौर्य वंश, भारतीय यूनानियों के द्वारा, गुप्त वंश के द्वारा, कुषाण वंश के द्वारा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे जिन्होंने भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलवाई थी, तो भारतीय जो यूनानी थे इन्होंने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा इन्होंने चलवाया था, जो यूनानी जो शासक थे इन्होंने स्वर्ण मुद्रा भारत में चलवाए गए थे। तो इसका सेकेंड ऑप्शन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो कुषाण, ग्रीक, शक, पार्थियन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुषाण। तो याद रखिएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में कुषाण शासनकाल में हुआ था। तो भारत में पहली बार सोने के जो सिक्के आपके कुषाण वंश के द्वारा जारी किया गया था। कुषाण वंश का जो पहला महत्वपूर्ण शासक कुजुला या कटफिशेस द्वारा, इस कटफिशेस ने प्रथम जो कि भारत में सर्वप्रथम इन्होंने शासनकाल में कुषाण शासनकाल में शुरू हुआ था सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में। याद रखिए कई बार इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गए हैं। तो भारत में पहली बार सोने के सिक्के कुषाण वंश के द्वारा लाया गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित कौन सा था? तो अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या मयूर शासन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खारवेल। याद रखिएगा। तो प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक कौन था? तो खारवेल था। तो खारवेल 193 ईसा पूर्व में, जो कि कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो आपके वर्तमान ओडिशा में। इसको कले ओडिशा को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता। तो खारवेल जो थे प्राचीन काल में कलिंग के जो कि महान ओडिशा के, आप समझ सकते हैं। तो कलिंग को पहले ओडिशा को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता, लेकिन कलिंग अभी कहाँ है? तो वर्तमान में ओडिशा को समझ सकते हैं। तो कलिंग उड़ीसा में आता है, याद रखिएगा। प्राचीन काल में कलिंग को महान शासक खारवेल था, याद रखिएगा। तो राज कर जो वर्तमान उड़ीसा में राज करने वाले जो महा जो मा जो महामेघ जो वाघवंश के जो तृतीय सबसे महान एवं प्रख्यात सम्राट था खारवेल, याद रखिएगा। तो प्राचीन काल में कलिंग के महान शासक खारवेल था, याद रखिएगा। अब अभी जो कलिंग है, अब उसको उड़ीसा के नाम से हम इसको जानते हैं। तो रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मिलिंद पन्नो एक रूप से क्या है? तो यह संस्कृत पे एक नाटक है, जैन वृतांत है या पाली ग्रंथ है या फारसी में एक महाकाव्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, याद रखिए। तो मिलिंद पन्नो एक तरफ से एक पाली ग्रंथ है, तो याद रखिए इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपके यूपी उत्तर प्रदेश पीएससी में आया हुआ है और रेलवे में भी क्वेश्चन आया। तो मिलिंद पन्नो आपके पाली ग्रंथ है, याद रखिए इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिहिर कुल में से प्रमुख शासकों में से एक था, तो वह कौन था? तो कुषाण वंश, हूण, शक या पठान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हूण वंश, याद रखिए। तो मिहिर कुल में जो प्रमुख शासक थे हूण थे, जिन्होंने भारत में ऐतिहासिक श्वेत हूण शासक था, याद रखिएगा। तो मिहिर कुल में से प्रमुख शासक हूण शासक थे, याद रखिए, जो भारत में एक ऐतिहासिक श्वेत हूण शासक थे। तो इसका सेकंड ऑप्शन याद रखिएगा। तो मिहिर कुल में से जो प्रमुख शासक होते थे हूण, याद रखिएगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जिसने बौद्ध धर्म अंगीकार किया गया था, तो कौन थे वो राजा? अलेक्जेंडर, स्त्रोत, मिनांडर, डेमोक्रिटस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिनांडर, याद रही, जो कि एक प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा थे जिसने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया गया था मिनांडर द्वारा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अभिलेख में रुद्र दामान प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णित किया गया है? तो जूनागढ़ अभिलेख में, भीतरी, नासिका या सांची अभिलेख में। तो आपके बिहार पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जूनागढ़, याद रखिए। तो इस जूनागढ़ अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों, उनके बारे में पूरा इसमें विवरण दिया गया है, उनके बारे में, उनकी उपलब्धियां, राजपाट के बारे में। तो आपके जूना अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों को इसमें वर्णित किया गया है जूनागढ़ अभिलेख में। तो याद रखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप निम्नलिखित प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों पर विचार कीजिए, तो कथन दिया है इसको जमाना है। तो अश्वघोष, नागार्जुन, भवभूति, नागसेन। तो इसका सही ऑप्शन जो प्रति ऐतिहासिक व्यक्ति कौन कौन थे, तो अश्वघोष, और इसके बाद आपका नागार्जुन, और इसके बाद आपका नागसेन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, याद रखिए। इसके ए वन, थर्ड और फोर्थ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काठियावाड़ के रुद्र दामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा काठियावाड़ के रुद्र दामन के जो काव्य शैली का प्राचीनतम जो नमूना है आपके किस अभिलेख में मिलता है? तो काठियावाड़ के रुद्र दामन के अभिलेख में मिलता है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिए, काठियावाड़ के रुद्र दामन के अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना इनके इस अभिलेख में मिलता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो घघरिया, भीमबेटका, लेखैया या आदमगढ़। तो भारत में जो आपका भीमबेटका है, जो इस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, याद रखिए भीमबेटका बहुत ही विख्यात है। जो भीमबेटका भारत के जो कि मध्य प्रदेश प्रांत के
रायसेन जिले में स्थित है, याद रखिए मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पूरा पाषाणिक जो आवासीय पूरा स्थल है, इसमें आदि मानव द्वारा बनाया गया शैल चित्र और जो बहुत सारे यहाँ पे शैल श्रेणियों के प्रसिद्ध यहाँ पे चित्र देखने को मिलता है। और बहुत सारे यहाँ पे जो भीम बेटका में जो कि यहाँ पे चित्र आदि मानव के बनाए हुए हैं, जो कि यह शैल चित्र और शैल श्रेय है जो कि प्रसिद्ध है। और चित्रों को पुरापाषाण काल में और मध्य पाषाण काल के समय में इसको बहुत ही पुराना माना जाता है, पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के, याद रखिएगा। और यहाँ के बहुत सारे यहाँ में सर्वाधिक मात्रा में चित्र प्राप्त होते हैं। भीम बेटका वर्तमान में कहाँ है पूछा जाएगा, तो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिए, मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है, याद रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में आपके भीम बेटका से यहाँ पे जो शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं भीम बेटका से, याद रखिए, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं और लंबा हो जाएगा वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।